बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामुअलैकुम। रब्बे ज़ुलजलाल के फ़ज़ल और करम के साथ मैं नईम खालद आपकी खिदमत में हाज़र अपनी एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि काइन मास्टर सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए कैसे हम अपनी वीडियो मिक्सिंग कर सकते हैं। आइए तो चलते हैं वीडियो की जानब। सबसे पहले हम काइन मास्टर को ओपन करेंगे। ये काइन मास्टर सॉफ्टवेयर आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है ये वीडियो मिक्सिंग के लिए। तो आइए जनाब, अब हम अपना न्यू प्रोजेक्ट ओपन करेंगे। स्क्रीन की एस्पेक्ट रेशो मांग रहा है, यानी कि आप किस तरह का यानी वीडियो का साइज़ रखना चाहते हैं। ये तीन साइज़ इधर शो हो रहे हैं। सबसे पहला जो साइज़ है वो यूट्यूब के लिए बेस्ट है, मैं वही रखूँगा जी। ये काइन मास्टर का इंटरफेस ओपन हो गया। ये हमारा डिस्प्ले का एरिया, यानी कि जिधर हमारा रिज़ल्ट शो हो रहा होगा, जो भी काम हम करेंगे इधर हमारा रिज़ल्ट शो हो रहा होगा। और उसके अलावा ये हमारे कंट्रोल्स हैं, जिनके ज़रिए हम कोई भी मीडिया वगैरह, स्लाइड वगैरह, लेयर वगैरह या ऑडियो और वॉइस वगैरह, आवाज़ वगैरह रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो लगा सकते हैं और उनके कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी कंट्रोल वाला एरिया है, साथ साथ मैं आपको बताता जाऊँ। आइए तो जनाब शुरू करते हैं अपनी मिक्सिंग। मीडिया में जाएँगे, बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे, कोई भी अच्छा सा बैकग्राउंड लगाएँगे। बैकग्राउंड जो लगेगा इसका बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ होगा वो 5 सेकंड का होगा, जबकि हमारी वीडियो बड़ी होनी है इसलिए इसको बढ़ाना पड़ेगा। फिर स्टार्ट पॉइंट पे चले जाएंगे। लेयर में जाने के बाद लेयर में हम वीडियो और पिक्चर दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। मीडिया पे जाएंगे, अपने कैमरे में चले जाएँगे। इधर मैं अपनी कोई वीडियो ऐड कर लेता हूँ जी, ये वाली मैं सेलेक्ट करता हूँ। इसका साइज़ छोटा है, इसको साइड से पकड़ के फुल साइज़ कर लूँगा स्क्रीन के साइज़ के मुताबिक। ओके, अब इसकी इन एनिमेशन यानी कि आने की एनिमेशन, ये वीडियो जो है वो शो कैसे हो, यहाँ से कोई भी आप एनिमेशन लगा सकते हैं। यानी इस वीडियो को सेलेक्ट करना है, इन एनिमेशन में जाना है, उसके अलावा ये स्लाइड डाउन, स्लाइड अप, कोई भी एनिमेशन आप जो लगाना चाहते हैं इसके आने की वो लगा सकते हैं। ओके करेंगे। अब अगला काम ये है कि जनाब आप जिधर से स्टार्ट लेना चाहते हैं इस वीडियो का, उससे पहला हिस्सा आप काट देंगे। उसके लिए स्टार्ट पॉइंट पे लेकर जाएंगे, जिधर से मैं चाहता हूं कि मेरी वीडियो स्टार्ट हो। इस वीडियो को सिलेक्ट करूँगा, ट्रिम टूल में जाऊँगा और ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्ले हेड कर दूँगा। अब ये पहले वाली वीडियो मेरी कट गई है, इस वीडियो को स्टार्ट पॉइंट पे पकड़ के लेकर जाऊंगा जिधर से वीडियो स्टार्ट होनी है जी। अब ये मेरी वीडियो इधर से स्टार्ट होगी। उसके बाद जनाब जिधर से एंड हुआ है वीडियो का, यानी एक्सरसाइज का एंड हो गया, उससे आगे वाला ही सामने काटना है। इधर कर्सर रखूँगा, ट्रिम टूल में जाऊँगा, स्प्लिट करूँगा पहले। स्प्लिट करने के बाद फिर दोबारा दूसरी एक्सरसाइज जिधर से शुरू हुई है हमारी, उधर चला जाऊँगा, यहाँ से स्टार्ट लूँगा मैं। इधर आके वीडियो को सिलेक्ट किया, ट्रिम टूल पे गया हूँ, ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्ले हेड कर लिया। अब ये वीडियो के दरमियान जो वक्फा है वो हमने कवर करना है, इस वीडियो को पकड़ के उस वीडियो तक लेकर जाएंगे, इन दोनों को साथ मिला देंगे। यानी कि जो बीच में फालतू एरिया था वो हमने कट कर लिया। अब इनके एंड पे जो फालतू एरिया थोड़ा सा, यानी इधर से एक्सरसाइज ख़त्म हुई है, मैं कैमरे की तरफ आ रहा हूँ, ये एरिया मुझे नहीं चाहिए, मैं यहाँ कर्सर रखूँगा, वीडियो को सिलेक्ट करूँगा, ट्रिम कर दूँगा। अब ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड, यानी कि अगला हिस्सा मैंने काटना है, ये मैंने काट दिया जी, चेक कर सकते हैं आप। अब अगला काम जनाब रह गया है कि मैंने वीडियो का रिज़ल्ट थोड़ा ठीक करना है, यानी कि इसके कलर वगैरह मैंने थोड़े ठीक करने हैं। उसके लिए मैंने वीडियो को सिलेक्ट किया, वीडियो की लेयर को। अब मैं चला गया हूँ जनाब कलर एडजस्टमेंट, कलर एडजस्टमेंट में जाके
मैंने इसकी ब्राइटनेस कम या तेज़ करनी है वो करूँगा। कंट्रास्ट वगैरह अगर बढ़ाना है तो वो बढ़ा सकते हैं, कम करना है कम कर सकते हैं। मैं इसका कंट्रास्ट थोड़ा बढ़ाऊँगा। उसके अलावा इसके कलर तेज़ करने हो, ये लास्ट वाला टूल है, कलर तेज़ करने हो तो इधर से आप इसको अबव करेंगे तो कलर तेज़ होंगे, डाउन करेंगे तो इसके कलर जो हैं कम हो जाएंगे। जी मैंने कलर तेज़ कर दिए हैं, ओके हो गया। अब आपको फ़र्क वाजा नज़र आ सकता है कि पहले वाली वीडियो के कलर और दूसरी वीडियो के कलर। अब दूसरी के भी कलर तेज़ कर लेते हैं। उसी तरह वीडियो सेलेक्ट की, कलर एडजस्टमेंट में गए, इधर से कलर एडजस्ट करने सेम वैसे ही, ओके। अब इन दोनों वीडियोस की अपनी आवाज़ जो है वो हम बंद करेंगे। वीडियो सेलेक्ट की, ये आवाज़ वाला टूल है, इधर से जाके इसको जो है म्यूट कर देना, ओके। दूसरी वीडियो की भी इसी तरह आवाज़ म्यूट कर देनी है, ओके। अब इनके साथ कोई म्यूज़िक लगाना चाहता हूँ मैं, ऑडियो में जाएंगे, अपना कोई भी म्यूज़िक सेलेक्ट करेंगे, गाना लगा सकते हैं आप या कोई म्यूज़िक लगा सकते हैं, जो भी आप लगाना चाहते हैं। मैं यही लगा देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल है, चलेगा। अब जितनी मेरी वीडियो बनी है उससे आगे वाला म्यूज़िक भी काट लेना है। वीडियो को सिलेक्ट करना है, म्यूज़िक को सिलेक्ट करना है, ट्रिम एंड स्पिलेट, ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड। अब ये ऊपर बैकग्राउंड है मेरा, ये भी ज़्यादा लंबा है मेरी वीडियो से, इसको सिलेक्ट करना है, ट्रिम ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड कर देना है। जी अब रेडी हो गया। अब इस पर मैं अगर टेक्स्ट को ही ऐड करना चाहता हूँ, लेयर पर जाऊँगा, टेक्स्ट पर जाऊँगा, इधर मैं टेक्स्ट लिख लूँगा, अपना नाम लिख लेता हूँ, जी ये मैंने अपना नाम लिख लिया है। इस नाम को बड़ा करना है, छोटा करना है, जिधर रखना है अपनी मर्ज़ी है, ये मैंने रख दिया इधर। इसको आप चाहते हैं कि सारी वीडियो में चलता रहे तो एंड तक इसको जो है ना आप इसको एंड तक लेकर जाएंगे, वीडियो के एंड तक। जी हो गया। अब इस नाम का मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ, वो भी आप कर सकते हैं। इस पर एनिमेशन लगाना चाहते हैं वो भी आप लगा सकते हैं। इन एनिमेशन इस पर लगाई है मैंने, ड्राप ड्राप में जाके, ये ऊपर से नीचे गिरता हुआ नज़र आ रहा है आपको। एनिमेशन की स्पीड कम करना चाहते हैं, तेज़ करना चाहते हैं, वो इधर से कर सकते हैं आप। जी अब स्पीड कम हो गई है, ओके कर देंगे। अब मैं बता रहा था टेक्स्ट का कलर, वो आप इधर से चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट का कलर रेड कर देते हैं, ओके हो गया। अब टेक्स्ट के बैकग्राउंड पर कुछ नज़र आ रहा है शेडो सा, वो शेडो का कलर इधर से आप बदल सकते हैं, उसको येलो कर देते हैं, ओके हो गया। जी ये फॉर एग्ज़ाम्पल कर रहा हूँ, आप कोई भी कलर कर सकते हैं। अब हमारा वीडियो तकरीबन हमारी मुकम्मल हुई। अब इसको मैं शेयर करता हूँ, सेव करने के लिए शेयर करते हैं। शेयर में जाऊँगा, एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, इसको फुल HD कर सकते हैं आप या कम कर सकते हैं, जितना आपको चाहिए एक्सपोर्ट करेंगे। ये एक्सपोर्ट हो रहा है, हमारी वीडियो एक्सपोर्ट हो रही है जनाब। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। वीडियो हमारी हो रही है जनाब शेयर। जी वीडियो मुकम्मल शेयर हो चुकी है, आइए तो देखते हैं रिज़ल्ट क्या बना हमारा। जी ये हमने वीडियो बनाई अभी।